हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फुल ऑन ज्ञान। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द वाइज लेसन। तो स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। रीड द स्टोरी ऑफ रिच मैन हु टॉट अ लेसन ऑफ विजडम टू हिज सन्स। पढ़िए एक अमीर आदमी की कहानी जिसने अपने बेटों को ज्ञान का पाठ पढ़ाया। ही ब्रॉट अ ब्रिक ऑफ गोल्ड विथ हिज मनी एंड थ्रू इट इनटू द सी इन द प्रेजेंस ऑफ हिज सन्स। वह अपने रुपयों समेत सोने का एक टुकड़ा ले आया और अपने पुत्रों के सामने समुद्र में फेंक दिया। His sons thought him mad, but once when the family was in a very miserable condition, they got the brick back in a mysterious way and became happy. The sons realized that their father was a very wise man. उसके बेटे उसे पागल समझते थे। लेकिन एक बार जब परिवार बहुत दयनीय स्थिति में था तो उन्हें रहस्यमय तरीके से ईंट वापस मिल गई और वे लोग खुश हो गए। बेटों ने महसूस किया कि उनके पिता बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। ये तो था इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं कहानी की तरफ। वंस देयर लिव्ड अ रिच मैन इन अ विलेज। ही हैज़ अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी, सेवरल हाउसेज एंड हंड्रेड्स ऑफ एकर्स ऑफ फर्टाइल लैंड। ही अमेज्ड ग्रेट वेल्थ, येट ही वॉज वेरी जेंटल। ही ट्रीटेड अदर्स एज ही वॉन्टेड हिमसेल्फ टू बी ट्रीटेड बाई दैम। ही नेवर डिसग्रेस्ड और रिबक्ड एनी वन। ही वॉज ऑनेस्ट, सिंसियर एंड रिस्पेक्टफुल। ही वॉज फुल ऑफ सिंपैथी फॉर ऑर्फन्स, विडोज एंड द पुअर पीपल। ही ऑलवेज हेल्प देम विद मनी एंड फूड। ही ओपेंड हॉस्पिटल एंड शेल्टर्स फॉर द नीडी पीपल। एक बार एक गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास बहुत सारी संपत्ति थी, कई घर, सैकड़ों एकड़ उपजाऊ जमीन थी। उसने बहुत धन इकट्ठा किया, फिर भी वह बहुत ही विनम्र था। वह दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करता था जैसा वह चाहता था कि वह स्वयं उनके द्वारा व्यवहार करे। अपने सभी उसने कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया और ना ही डांटा। वह ईमानदार, सच्चा और सम्मानित था। वह अनाथों, विधवाओं और गरीबों की प्रति सहानुभूति से भरा था। वह हमेशा पैसे, भोजन के साथ उनकी मदद करता था। उन्हें ज़रूरतमंद के लोगों के लिए अस्पताल और आश्रय खोले। वंस टेरिबल फेमिन ब्रोक आउट, देयर वॉज स्कार्सिटी ऑफ फूड ग्रेन्स। द रिच मैन डिड नॉट लाइक टू सेल हिज ग्रेन्स एट द आउटसेट ऑफ फेमिन बिकॉज ही वॉन्टेड टू हेल्प द पुअर पीपल व्हेन द ग्रेन्स वुड नॉट बी अवेलेबल टू देम। One day, all his four sons came to him and requested him to allow them to sell the grains. एक बार भयानक अकाल पड़ा। अनाज की कमी थी। अमीर आदमी शुरुआत में अपना अनाज बेचना पसंद नहीं करता था क्योंकि वह गरीबों की लोगों की मदद करना चाहता था जब उनके लिए अनाज उपलब्ध नहीं होगा। एक दिन उसके चारों बेटों उसके पास आए और उससे अनुरोध किया कि उन्हें अनाज बेचने की अनुमति दी जाए। एट फर्स्ट द रिच मैन रिफ्यूज्ड, बट ऑन देयर रिपीटेड रिक्वेस्ट्स ही अलाउड देम टू डू सो। ही टोल्ड देम हाउएवर टू सेल इट एट अ चीपर रेट। दे अग्रीड एंड इट वाज सोल्ड ऑफ इन अ शॉर्ट टाइम। पहले तो अमीर ने मना कर दिया, लेकिन उनके बार बार अनुरोध करने पर उसने उनसे ऐसा करने की अनुमति दे दी। हालांकि उसने इन्हें इसे सस्ते दर पर बेचने के लिए कहा। वे सहमत हुए और इसे थोड़े समय में बेच दिया। धनी व्यक्ति इस प्रकार अर्जित धन को लेकर एक सोनार के पास गया और उसके लिए सोना लाया। द रिच मैन वेंट टू गोल्ड स्मिथ विद द मनी दस अर्न एंड ब्रॉट गोल्ड फॉर इट। ही गॉट इट मोल्डेड इन टू अ ब्रिक विद हिज नेम इनग्रेव्ड ऑन इट। He took his sons with him to the sea where he threw the gold brick into the water. His sons were surprised and sad at their father's behavior and took him as a lunatic. They reproached him and blamed that they were robbed of their wealth and made poor. He simply smiled at their words. Even other people remarked that the old man had gone mad. He turned a deaf ear to all of them. उसने उसे एक ईंट में ढाला जिस पर उसका नाम खुदा हुआ था। वह अपने पुत्र को अपने संग समुद्र में ले गया जहां उसने सोने की ईंट को जल में डाल दिया। उनके पुत्र अपने पिता के व्यवहार से बहुत हैरान और दुखी हुए और उन्होंने एक पागल का रूप दिया।
वे उनके पास गए और आरोप लगाया कि उनका धन लूट लिया गया है, वे कंगाल हो गए हैं। वह उनकी बातों पर बस मुस्कुराया। यहाँ तक कि दूसरे लोग भी कहते हैं कि बूढ़ा पागल हो गया है। After some time, he fell seriously ill. A physician came to him and prescribed mutton and custard pudding for his diet. He felt a little better. After a few days, the physician prescribed him fish diet. The rich man engaged a fisherman for 1 rupee per day to supply him with fresh fish every morning. He enjoyed it every day and started recovering steadily. कुछ समय बाद वह गंभीर रूप से बीमार महसूस करता है। एक चिकित्सक उसके पास आया और उसके आहार में मटन और हलवा निर्धारित किया। उसने थोड़ा बेहतर महसूस किया। कुछ दिनों के बाद चिकित्सक ने उसे मछली का आहार निर्धारित किया। अमीर आदमी ने एक मछुआरे को 1 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से रोज सुबह ताज़ी मछली देने के लिए नियुक्त किया। उसने हर रोज़ इसका आनंद लिया और तेज़ी से ठीक होने लगा। One day, it so happened that the sea became stormy and the tides were fast approaching the shores when the same fisherman caught a big fish. Curiously, he brought it to his master, who was very pleased to see such a large fish. He asked him to cut it in his presence. To the astonishment of all the people present there, the same gold brick with the rich man's name on it was found inside its stomach. एक दिन ऐसा हुआ कि समुद्र तूफानी हो गया और ज्वार तेजी से किनारे पर आ रहा था कि उसी मछुआरे को एक बड़ी मछली मिली। उत्सुकतावश वह उसे अपने स्वामी के पास ले आया, जो इतनी बड़ी मछली को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसे अपनी उपस्थिति में इसे काटने के लिए कहा। वहाँ उपस्थित सब लोग को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वही सोने की ईंट जिस पर धनवान का नाम लिखा था उसके पेट में मिली। इस पर अमीर आदमी ने अपने बेटों से कहा। एट दिस द रिच मैन told his sons that they thought he had wasted his wealth by throwing it into the sea, but he had been all along quite confident of getting it back as his money was earned honestly. All were pleased to learn the lesson of honesty, which was thus practically illustrated. They always remembered him for his wisdom. The rich man too recovered in a short time. उन्हें लगा कि उसने अपनी संपत्ति को समुद्र में फेंक कर बर्बाद कर दिया है, लेकिन वह इसे वापस पाने के लिए पूरी तरह आश्वस्त था, क्योंकि उसका पैसा ईमानदारी से कमाया गया था। सभी ईमानदारी का पाठ सीखकर प्रसन्न हुए, जो इस प्रकार व्यवहारिक रूप से चित्रित किया गया है। वे उसकी बुद्धि के कारण उसे सदा स्मरण करते थे। अमीर आदमी भी कुछ ही देर में ठीक हो गया। Thanks for watching.